हेलो दोस्तों, मैथ गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि गणित के अंदर चिन्हों की पहचान, माइनस प्लस प्लस माइनस किस प्रकार से करते हैं। तो वीडियो से शुरू करने से पहले अगर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया है, अगर नहीं किया है तो शेयर कर ले, बेल वाली घंटी को प्रेस करें ताकि मिल सके नई नई वीडियो सबसे पहले आपको। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कभी कभी गणित के अंदर हमारे को ऐसे चिन्ह मिलते हैं जैसे प्लस गुणा प्लस, तो हम क्या करते हैं, प्लस इसका उत्तर प्लस होगा। और कभी ऐसे मिलते हैं प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, कभी ऐसा होता है माइनस गुणा प्लस तो भी क्या होंगे, माइनस। और माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हो जाएंगे, प्लस। अब इनका हम एक उदाहरण देके समझते हैं। जैसे प्लस गुणा के प्लस, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, बहुत ही सिंपल है ये तो। उसके बाद में हम देखते हैं प्लस के 2 गुणा, सिन साथ में नहीं होने के कारण कोष्टक लगाएंगे, माइनस 4 बराबर 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 आ जाएंगे, 8 है माइनस के। उसके बाद में माइनस 2 गुणा प्लस 4, 8 इनके भी क्या है, माइनस के। उसके बाद में 2 माइनस के गुणा 2 भी माइनस के, तो बराबर गुणा आपस में करने से संख्या आ जाएगी प्लस की 4। एक और हम जोड़ने के उदाहरण समझते हैं। वो सबसे पहले जैसे कभी कभी संख्या ऐसे लिखी होती है 30 प्लस 10, तो ये तो बहुत ही सरल है, बराबर हो जाएंगे 47। और कभी ऐसी संख्या होती है 40 प्लस के और माइनस के 10, तो 40 में से 10 गए पीछे, कितने बसे, 30। अब बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो क्या लगाएंगे, प्लस। जैसे माइनस के है 40 और प्लस के हैं 20, तो 40 में से 20 घटा देंगे, पीछे बसेंगे 20, बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस, तो क्या लगा देंगे, माइनस। जैसे 30 माइनस और माइनस 10, 30 में से 10 गए पीछे, कितने बसे, 20, बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह, तो बराबर 20 माइनस। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।